बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं। वहीं करण जौहर अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। वहीं इस वक्त फिल्म मेकर जमकर खबरों में बने हुए हैं। दरअसल हाल ही में करण जौहर ने उनकी मिमिक्री करने वाले कॉमेडियन की जमकर क्लास लगाई है। बता दें कि करण ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है, जहां उन्होंने बिना नाम लिए कॉमेडियन और कॉमेडी शो को जमकर लताड़ा है। वहीं करण ने ये पोस्ट कॉमेडियन केतन सिंह और उनके शो मैडनेस मचाएंगे इंडिया को हंसाएंगे के लिए किया है। करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है कि मैं अपनी माँ के साथ बैठकर टीवी देख रहा था और मैंने एक बड़े टीवी चैनल पर एक रियलिटी कॉमेडी शो का प्रोमो देखा। एक कॉमेडियन बेहद वाहियात तरीके से मेरी नकल कर रहा था। मैं ट्रोल्स और अनजान लोगों से यही उम्मीद करता हूँ, लेकिन जब आपकी अपनी ही इंडस्ट्री एक ऐसे इंसान का अनादर करती है जो 25 सालों से भी ज़्यादा वक्त से इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, तो ये उस जगह के बारे में बहुत कुछ बताता है जिसमें हम रह रहे हैं। इससे मुझे गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन बहुत दुख हुआ। वहीं अब करण के इस पोस्ट के वायरल होने के बाद कॉमेडियन केतन सिंह ने इस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने करण जौहर से माफ़ी मांगी है। जी हां, अपने हालिया इंटरव्यू के दौरान केतन कहते हैं कि मैं करण जौहर सर से माफ़ी मांगना चाहता हूं। सबसे पहले मैं जो भी मिमिक्री करता हूं वो इसलिए क्योंकि मैं कॉफ़ी शो में करण जौहर को बहुत देखता हूं। मैं उनके काम का फैन हूं। मैं उनकी लेटेस्ट फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 5 से 6 बार देख चुका हूं। मैं उनके काम और उनके शो का बहुत बड़ा फैन हूं। मेरा इरादा उन्हें ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। मैं सिर्फ दर्शकों को एंटरटेन करना चाहता था, लेकिन अगर मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया है तो मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। वही फिल्म मेकर के वर्क फ्रंट की बात करें तो इस वक्त करण जौहर अपनी मच अवेटेड फिल्म मिस्टर और मिसेस माही को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बता दें कि ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म भारत के पूर्व कप्तान और महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी पर आधारित है। इस फिल्म में आपको राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर की जोड़ी देखने को मिलेगी, जहां राजकुमार राव माही के किरदार में नजर आएंगे। वहीं इस फिल्म का निर्देशन शरण शर्मा ने किया है। बता दें कि ये फिल्म 31 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। ऐसे में जब से इसकी घोषणा हुई है, फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलते चलते एक जरूरी जानकारी, आपको न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल पर एक ज्वाइंट बटन दिख रहा होगा। इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिल जाएगी। इंटरटेनमेंट की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज नेशन।